ये एक सवाल है जी कि पोस्टमार्टम की इजाजत है या नहीं इस्लाम में। ये मैंने सिर्फ इसलिए आपको जवाब देना चाहा कि ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है हमारे मुल्क में या हमारी सोसाइटी में कि हम पोस्टमार्टम नहीं करवाते और समझते हैं कि ये लाश की बड़ी तौहीन है। आप यकीन जानिए बाज़ुकात ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का बायस बनता है। नंबर वन, हम हकीकतें मतलब वजह तक नहीं पहुँचते कि इस मौत का सबब क्या था, और इतनी ज़्यादा मालूमात हमें जो हासिल हुई है इंसान की बीमारियों और अमवात की वजह की, वो पोस्टमार्टम ही से हासिल हुई है। और पोस्टमार्टम बड़े सलीके एहतराम और अदब से किया जाता है, और डेड बॉडी बहुत रिस्पेक्टेबल चीज़ होती है, उसको हरगिज़ इस तरह डील नहीं किया जाता जिस तरह कोई आप जानवर ज़बह करते हैं, बल्कि एक प्रॉपर मेथड होता है। वो ट्रेंड लोग होते हैं जो सर्टन एरियाज़ को देखते हैं, वहाँ से सैंपल लेते हैं, जिगर का सैंपल लिया, दिमाग का सैंपल लिया, स्किन का सैंपल लिया, सीक्रीशंस ली, ब्लैडर से उनको देखा ये पॉइजन था, क्या डिजीज थी, इससे इनॉर्मस इंफॉर्मेशन हासिल होती है। सो वी मस्ट चेंज दिस कल्चर। अगर कोई भी सस्पिशियस डेथ हुई है या हमें पता नहीं क्या हुआ है, तो आप पोस्टमार्टम की इजाजत दिया करें। प्रोफेसर साहब अगर इख्तलाफ करना चाहें तो ये शरी मसला नहीं है, तहकीकी सा मसला है। इफ समबडी इज इंटरेस्टेड, बहुत सारे लोग आते हैं, किसी ने कहा जी मेरे अजीज ने वो दो, शायद अब लोगों के, आप इसको अवॉइड करेंगे तो उन लोगों के हाथ चढ़ जाएंगे जो आपको मर गए उनके बारे में हजार दास्तानें सुनाते हैं। कुछ लोग दरिया में डूब के या मर गए तो पोस्टमार्टम नहीं किया, फिर उनके आयजा आ गए कहने लगे हमें बताया गया कि वो जिंदा है, फलां विलेज में रह रहे हैं। अब इस किस्म की गलतफहमियां और इंसान को खुशफहमियां जिंदा रखने के लिए ये सारी बातें होती हैं। शरण अल्लाह मियाँ को कतन कोई एतराज़ नहीं है, ना आपके मज़हब को एतराज़ है, और पोस्टमार्टम के खिलाफ कुछ नहीं। एक हौलनाक सा तस्वर ज़रूर आपके जहन में वाबस्ता है, और दूसरा शायद तस्वर यह कि मर तो गया ही, अब उसकी लाश की बेहरमती ना करा जाए, मगर अगर लाश इंसाफ मांग रही हो तो फिर उसकी बेहरमती होगी कि या उसकी तहकीर की जाएगी। लाश तो इंसाफ मांग रही है, अगर वो मकतूल हुई है, किसी हादसे में मरी है और वो क्लैरिटी चाहती है, तो लाश तो आपसे डिमांड कर रही है कि हमारी तहकीक कराओ, मैं किसने मारा, हम कैसे मरे, कौन वो जालिम है जिसने हमारे साथ ज्यादती की है। उसके बरक्स आप उसे उस लाश की भी तौहीन का बायस बनते हैं। मगर जहां तक अगर को कुदरती हादसे से फौत होगी तो उस पर तो पुलिस भी नहीं ये कहने आती कि इसका पोस्टमार्टम कराओ, अगर आप नेचुरली फौत हो गए।